बहुत परेशान हूँ साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दी, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे, हम जाएंगे कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कल रात सपने में कोई आया, मैंने उसे बेसहाय और हताश पाया। वो अपने पैरों पे तो खड़ा था, पर उसका एक हाथ कहीं दूर पड़ा था। दूसरे हाथ से अपना जख्मी पांव संभाले थे, मीलों चलने से तलवों पर उसके छाले थे। वो बोला, मैं असहाय हूँ पर कमज़ोर नहीं हूँ, भूखा हूँ पर भिखारी नहीं हूँ, अपनी मेहनत से खाता हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। थोड़ी दूर पर एक औरत किसी को ढूंढ रही थी, अपनी खून भरी लाल साड़ी में मिट्टी से सनी खड़ी थी। मेरा बेटे को देखा क्या? मेरे साथ ही तो था अभी, रेलगाड़ी आने से पहले। शायद पानी लेने गया होगा। बिखरे बालों में एक सुलझा हुआ चेहरा था, एक दृढ़ निश्चय वाला चेहरा। कुछ लोग पटरी पे और दिखे, एक मजदूर जो बड़े बड़े मकान बनाता था, उसका खुद का घर उजड़ा था। एक रंगों से खेलने वाला, कपड़े डाई करने वाला, लाल रंग में पड़ा था। एक बावर्ची था जो भूख से तड़प रहा था। थोड़ा आगे पटरी पे एक जवान लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मुझे देखकर बोला, मेरी माँ को मत बताना, वो ये देख नहीं पाएगी, बहुत मजबूत है कि सह नहीं पाएगी। मैंने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? वो बोला, मैं तो आज आजाद हूं, पर तू तो आज भी पिंजरे में है, चाह कर भी मजबूर है, सब कुछ देख कर भी आंखें मूंदे है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने को एक एक्टिविस्ट बने बैठा है, अपने एसी कमरे में बैठकर गरीबों की गर्मी की बात करता है, किसी को खाना खिलाने से पहले सेल्फी लेता है। अब तो तू नींद से उठ, अब तो अपनी बंद आंखें खोल, अब तू तो कुछ बोल। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था, पर उसकी हंसी कानों में गूंज रही थी। धन्यवाद।